नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर टैरोकार्ट रीडर प्रियंका टंडन। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चैनल में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं 12 राशियों के बारे में, आपकी नव वर्ष की प्रिडिक्शंस के बारे में, कैसे रहने वाला है आपका ग्रह गोचर, कैसे रहेगा आपका साल 2024, कब कौन सा उपाय करें, कैसे अपने जीवन को सुखद बनाएं, सरल बनाएं, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कहाँ स्थित होगा, कौन सा गोचर बदलने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। मैं बता रही हूँ आपको सभी 12 राशियों के बारे में, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों लिब्रंस आपके बारे में। अगर आपके वर्ष की शुरुआत करें तो देखते हैं कि यहाँ पर आपका वर्ष जो है आपको क्या कहता है साल 2024। बहुत सारी नई योजनाएं आपके लिए लेकर आ रहा है। मुझे पता है तुला राशि वालों, साल 2023 में आपने काफ़ी परेशानियों का सामना किया। आपके रिश्ते आपसे छूट गए, आपके रिश्ते आपसे रूठ गए, और साथ ही में आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही अनस्टेबल हुई। आपके अपने ही आपसे भाग रहे थे, आपके अपने ही आपसे पीछा छुड़ाने के लगे थे, क्योंकि ये जो ग्रह गोचर बदला है ना पिछले साल, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पेनफुल था। लेकिन ये साल ऐसा नहीं रहने वाला। आपको क्या करना है, इस साल की जीवन की शुरुआत जो है अपने मीठे मन से, मिठास से करनी है। यहाँ पर आपके व्यापार को लेके जो है ये साल काफ़ी अच्छा साबित होगा। इस वर्ष में नए व्यापार की भी योजनाएं आप बना सकते हैं, नया व्यापार जो है आपका खुल सकता है। साथ ही में यहाँ पर शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे, कि तो हो सकता है कि आपके बच्चों का सपोर्ट आपको जीवन में सारी परेशानियों से निजात दिला दे। आज तक अगर आपके बच्चों का सपोर्ट आपको नहीं था, तो आपके बच्चों का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मीठी वाणी को लेकर आपको साल की शुरुआत करनी है। कोशिश करें कि ज़्यादा यात्राओं की योजनाएं ना बनाएं, क्योंकि यात्राओं में यहाँ पर खलल और डिले मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि ये साल आपको यात्राओं के मामले में थोड़ा सा निराश कर दें, क्योंकि इतना पॉजिटिव मुझे आपके लिए नहीं नज़र आ रहा। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अधिक आपके ऊपर बढ़ सकती हैं तुला राशि वालों। पैसों की परेशानी को लेके, धन की परेशानी को लेके यदि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो ये साल आपकी चिंता को दूर कर रहा है। पैसों से संबंधित परेशानियां मुझे नहीं लगता कि साल 2024 में आपको उसका सामना करना पड़ेगा। यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंध के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों की शुरुआत अच्छी स्थिति से ही रहेगी। मीठी बातें करेंगे तो मीठा फल पाएंगे, ऐसा ग्रह नक्षत्र आपके लिए कह रहे हैं तुला राशि वालों। विवाह में होने की जो परेशानियां थी, विवाह नहीं हो रहा था, तो विवाह इस साल बहुत सारे लोगों का होता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी कठिनाइयां थी या ब्लॉकेजेस हमें कह सकते हैं कि रिश्ता आ रहा है, नहीं हो रहा है, परेशान है, घर वाले परेशान हैं, तो हो सकता है परेशानी आपकी दूर हो जाए। शनिदेव जो हैं आपकी स्थिति को बेहतर बना रहे हैं, और साथ ही में आपके रिश्तों को लेकर आपको थोड़ा सा सीरियस होना इंपॉर्टेंट है। अपने रिश्तों को वैल्यू करें, क्योंकि आपने लाइफ में अपने रिश्तों को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया। आपने हमेशा स्नैप डिसीजंस लिए हैं, जल्दबाजी के डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से आपके पूरे परिवार को नुकसान भुगतना पड़ा, पूरा परिवार शायद आपका अलग हो गया। तो ये साल अपने प्रेम संबंधों को बिल्कुल भी ख़राब ना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध अच्छे रहें, तो आपको अपने रिश्तों को अच्छा करने का प्रयास जो है यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको रिश्तों में सफलता मिलेगी। अप्रैल और अगस्त से लेकर और सितंबर के महीने में आपको प्रेम संबंधित जो समस्याएँ हैं वो नहीं आएंगी, लेकिन सितंबर के बाद का टाइम थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने रिश्तों को बैलेंस ना कर पाएँ, और डिवोर्स जैसी प्रॉब्लम्स या सेपरेशन जैसी प्रॉब्लम या मन मुटाव जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपके अपने आपसे इतना ज़्यादा परेशान हो जाए कि उनको आपको छोड़कर भागना पड़े। वो सिर्फ और सिर्फ होगा आपके नेचर की वजह से, तो अपने रिश्तों को संभाल कर रखें। या अगर आपके करियर की बात करें तुला राशि वालों लिब्रंस, आपके करियर को लेकर इस वर्ष में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। नई योजनाओं के रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपके पांचवें भाव में जो शनि रहेंगे और राहु जो है आपके छठे भाव में होंगे, किसी भी चीज़ को लेकर चुनौतियां आपके सामने बनती ही रहेंगी, चुनौतियां आती रहेंगी। लेकिन ये भी साथ में है कि चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ आप उसका रिजल्ट भी जो है लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ की सफलता को लेके, आपके करियर की सफलता को लेके, तो यहाँ पर आप कहीं के उत्तर अधिकारी मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब आपकी मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके फेवर में मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोर्ट केस आपके फेवर में मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। धन धान्य सौभाग्य आपके फेवर में मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही में परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आप उसका सामना भी कर लेंगे और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे। नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी में सफलता यहाँ पर आपको मुझे दिख रहा है कि आप सफलता आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। बात करूँ पारिवारिक संबंधों के बारे में, तो मैंने जैसे कहा कि बढ़िया होगा, लेकिन आपको खुद ब खुद अपनी रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ेगा। चाहते हैं संबंध अच्छे बने रहे, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है,
साल 2024 की एडवाइस अगर आप मुझसे लेंगे तो मैं यही बोलूंगी कि अपने परिवार को साथ लेकर चलें, अपने परिवार से डिस्कस करके चलें, कोई भी ऐसा डिसीजन अपने लिए ना लें जो आपके और आपके परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो, क्योंकि आपके डिसीजन से ही आपका परिवार चलता है। तुला राशि वालों, जो आप कह देते हैं होता है कि वो फाइनल कॉल होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कठिनाइयाँ ना बढ़ें, आपको ये उपाय करने ज़रूरी हैं। शांत रहें, कोशिश करें गुस्से को अवॉइड करें, और एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ, चाहते हैं रोग आपको परेशान ना करे तो राहु के मंत्र को जाप करें, हनुमान जी की पूजा करें और अपने घर में पंचमुखी हनुमान ज़रूर लेकर आएं, उनको एक लाल रंग का चोला पहनाएं और रोज़ उनकी पूजा करें। घर से जब भी निकले हनुमान जी को माथा टेक कर निकले, आपके सारे कार्य मंगल होंगे। और किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो तो हाथ में चार इलायची लेकर जाएं और उसे चारों दिशा में जाते समय चारों दिशा में जो है डाल दें और पीछे मुड़ के ना देखें। आशा करती हूँ कि आपको प्रेडिक्शंस पसंद आई हो। यदि आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, तो नीचे दिए गए नंबर से हमें कंसल्ट करें, हमसे बात करें, अपनी कुंडली के बारे में डिटेल में आप डिस्कस कर सकते हैं। ये थी एक जर्नल प्रेडिक्शन जहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे रहने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली साल 2024 आप सभी के लिए। जय माँ काली।